सीता की धरती में पर अपमानित करना यह राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है। अभी तक हम इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते थे। शिक्षा मंत्री का पुतला हर जिले में दहन होना चाहिए। जो बोल भी रहे वो भी गलत बोल रहे हैं। उन्होंने पढ़ा क्या था चौपाई? वह चौपाई है हर कहु हरि सेवक गुरु कहु सुनी खगनाथ हृदय मम देहु। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस चौपाई को लेकर के विवादित बयान दिया था उसकी पूरी ग्रंथ लेकर बैठे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। आइए सुनाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। एक मंत्री ने भाषण नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में दिया हो, रामचरितमानस का, भगवान राम का सीता की धरती में पर अपमानित करना यह राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है। इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं और अभी तक हम इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब इस पर हम लोगों ने युवा मोर्चा को भी कहा है कि शिक्षा मंत्री का पुतला हर जिले में दहन होना चाहिए, करेंगे वो लोग। और जो बोल भी रहे वो भी गलत बोल रहे हैं। उन्होंने पढ़ा क्या था चौपाई? वह चौपाई है हर कहु हरि सेवक गुरु कहु सुनि खगनाथ हृदय मम देहु, अधम जाति मैं विद्या पाए भय हूँ यथा अहि दूध पियाए। और इसके बाद की लाइन है, मानी कुटिल कुभागे कुजाति गुर कर द्रोही करहु दिनु राति अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखावा सुबोधा। अर्थात कि यह काग जो है वह गरुड़ से कहता है कि गुरु जी ने शंकर भगवान को विष्णु भगवान का सेवक कहा और यह सुनकर के मेरा हृदय जल उठा और मैं जो कौवा जैसी नींद जाती का था विद्या पा करके भी ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। और दूसरा लाइन का अर्थ है, अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता रहा। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा भी क्रोध नहीं आता था, वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान ही देते थे। अर्थात इसमें कौवा के भी ज्ञान की ही बात हुई है कि गुरु जी उसको उत्तम ज्ञान देते थे। दिक्कत है कि एक एक सेलेक्टिव लाइंस बोल बोल करके और जिस शिक्षा मंत्री को मैं और मैं में अंतर नहीं है, जहाँ कह रहा है कि मैं नहीं समझ पाया, उसको जानबूझ के एक वर्ण विशेष से जोड़ने का जो ये अपराध कर रहे हैं और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं, यह बिहार के संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान है। बिहार का संपूर्ण हिंदू समाज के बारे में पूरे देश में इस तरह की भ्रांति बन रही है जैसे हम लोग भगवान श्री राम के विरोधी हों। और इसके लिए शिक्षा मंत्री की जितनी निंदा और राजद की, क्योंकि यह राजद के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हुआ है, तो राजद की भी मैं निंदा करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह भगवान सीता की धरती पर, माँ सीता की धरती पर भगवान राम को अपमानित करने का काम जो ये कर रहे हैं उसके लिए माफी मांगे, नहीं तो हम लगातार उनके विरोध में आंदोलन चलाएंगे। और मैं बिहार के समस्त हिंदू समाज से अनुरोध करूंगा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का यह ऑफिशियल लाइन है तो संपूर्ण हिंदू समाज को जहां भी ये लोग जाएं उसका विरोध करना चाहिए। वैसे भी हिंदुओं के प्रति लगातार अत्याचार हो रहा है, आप लोगों ने खुद देखा कि दरभंगा में मूर्तियों को तोड़ा गया, दरभंगा में मूर्तियों को फेंका गया, उसी प्रकार मेरे यहाँ सुगौली में मूर्तियों को तोड़ा गया। यह एक राजद के खास, जो मैं शुरू से कहता था कि PFI का एजेंडा पर यह सरकार चल रही है, यह सरकार मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है और हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कर रही है। मैं राजद को चेतावनी देता हूं कि बिहार का प्रत्येक हिंदू आपके विरुद्ध खड़ा होगा, नहीं तो आप चंद्रशेखर का इस्तीफा लें और अपने प्रदेश अध्यक्ष को बोले कि इस तरह के गलत बातों पे उनका सहयोग नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को साफ साफ लफ्जों में उस चौपाई का हिंदी अर्थ समझा रहे हैं, साथ ही साथ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को ज्ञानहीन भी बता रहे हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।